मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा है। पत्र में नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। नीतीश कुमार ने लिखा, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति जी के नाम पर अधिसूचित करने, दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ाने, एयरपोर्ट के विस्तार, नाइट लैंडिंग सुविधा आदि को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु मैंने माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने और क्या मांगे रखी हैं, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि जिन कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग मुख्यमंत्री ने की है वो हैं कौन। कवि कोकिल विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। मिथिला वासियों के साथ ही संपूर्ण बिहार में विद्यापति की रचनाएं खासी लोकप्रिय हैं। इसलिए दरभंगा की धरती पर बनी एयरपोर्ट का नामकरण मुख्यमंत्री विद्यापति जी के नाम पर करना चाहते हैं। नाम बदलने की मांग के साथ मुख्यमंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट की आधारभूत संरचनाओं को और बेहतर बनाने की भी मांग की है। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने के साथ ही साथ एयरपोर्ट की चार दीवारी को ऊंचा करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के सामने रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर केंद्र सरकार न कर सके तो राज्य सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है। वहीं एयरपोर्ट को 31 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की भी मांग की गई है ताकि सिविल इनक्लेव का निर्माण हो सके। माना जा रहा है कि नए साल में दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। खास बात यह है कि एक महीने में ही लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों ने दरभंगा से यात्रा की है। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।